हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक इवेंट पे जहाँ पे लॉन्च हो रही है नई बाइक। तो हम जा रहे हैं जावा मंडी में, उनकी 42 FJ, जिसमें कि 350cc का इंजन है। चलो देखते हैं जाके कैसी है ये बाइक। आने वाला है आज दोस्तों एक नई बाइक। तो दोस्तों, जावा ESD के शोरूम में ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। ये रहा ऊपर की साइड को शोरूम इनका। चलो चलते हैं। और ये रही इनकी बाइक, ये तो ESD की खड़ी है। अंदर चल के देखते हैं कौन कौन सी बाइक है इनके पास। तो ये है जावा की बहुत ही खूबसूरत वॉबर 42। कितनी प्यारी ये बाइक दिखती है। और ये है वॉबर 42 ब्लैक कलर में, काफ़ी वाइड है। आप पीछे से देखेंगे इस एंगल से, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी बाइक ये लगती है। और आज जो बाइक लॉन्च होने वाली है उसमें थोड़ी चीज़ें कुछ खास हैं इनके मुकाबले में। चलो देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो यार, जावा ESD का जो इतिहास है काफ़ी पुराना है। बहुत पुराने टाइम से इंडिया में बाइक्स थी और कंपनी ने दोबारा एक बार लॉन्च किया है अपनी बाइक्स काफ़ी सालों के बाद, और अच्छे प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं। तो आई होप न्यू लॉन्च आल्सो विल बी द ग्रेट वन। इस ब्यूटी की आज लॉन्चिंग होने वाली है वो ये है अंडर द कवर। अभी तक कवर नहीं उठे हैं इस पे से, तो मज़ेदार ये ओपनिंग होने वाली है, मज़ेदार ये लॉन्चिंग होने वाली है। वेलकम गाइस। तो आज होने वाली है हमारी जावा की नई बाइक लॉन्च। तो लॉन्च इवेंट में पहुंचे हैं अभी। अभी थोड़ी देर में इसके पर्दा उठ जाएगा कौन सी बाइक है इसके नीचे। वैसे आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सी बाइक आज के दिन की लॉन्च हुई है। तो ये है जावा 42 FJ वर्ज़न। तो इसमें थोड़ी सी चेंजेज हैं, थोड़ी देर के बाद आपको दिखाने वाले हैं, और एग्जॉस्ट नोट भी इसका आपको सुनाने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो शायद ये आज के चीफ गेस्ट, और ये कर रहे हैं यहाँ से एंट्री।
तो अभी यहाँ से पर्दा उठने वाला है बाइक से। तो ये रही हमारी जावा 42 FJ। जो कलर है यहाँ पे रेड ब्लैक है। नहीं, जा रहे हैं इस ब्यूटी को लेके टेस्ट राइड पे, फर्स्ट राइड रिव्यू पे। तो ये है हमारी जावा 42 FJ जो आज ही लॉन्च हुई है यहाँ मंडी में। वैसे तो होगी ये काफ़ी टाइम पहले, तो लेके चलते हैं इसको हाईवे पे, देखते हैं थोड़ा सा कैसा है इसका पिकअप और कैसी है इसकी पावर। Let's go. दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल डॉग राइडर विजय। तो अभी हम लेके निकले हैं नया मोटरसाइकिल जावा 42 FJ। तो फर्स्ट इम्प्रेशन, वाओ, इट्स लिटरली लुक्स लाइक ए, आई थिंक कैरेक्टर ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज मोर लाइक अ स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल। तो दोस्तों ये है हमारा जावा 42 न्यू मॉडल 2025। तो आपको मैं इसमें मेजर जो चेंजेस है वो बता देता हूँ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे ग्राउंड क्लीयरेंस इज़ अप बाय 2 मिलीमीटर्स, इट्स नाउ अब 185 के आसपास है। काफ़ी बड़ी इसमें डिस्क दी हुई है
जो फ्रंट सेक्शन का टायर है वो है हमारे पास 190/18 और जो पिछले वाला टायर है वो है हमारे पास 140 सेक्शन का टायर। तो टायर भी काफ़ी बड़े दिए हुए हैं इसमें और ड्यूल एग्जॉस्ट बहुत ही प्यारे दिखते हैं। ग्रैब रेल काफ़ी अच्छी है और साइड से ये जो आपको दिख रहा है ये जो ब्रश्ड एल्युमिनियम का पैनल है रेड कलर में काफ़ी अट्रैक्टिव इस बाइक की लुक को दे रहा है। ठीक, सीट हाइट है इसकी 790 mm जो कि एक शॉर्ट राइडर के लिए भी बहुत अच्छी सीट हाइट है। जो इसके पावर फिगर हैं उसमें मैं आपको बताऊँ, ये जो इंजन है ये आता है पावर 30 horsepower एंड 30 Nm ऑफ टॉर्क। तो फिगर कुछ ऐसे हैं इसमें और लिक्विड कूल है ये इंजन और LED हेडलैम्प इसमें आते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी फुली डिजिटल है, आप इसमें देख सकते हैं। हैंडल बार काफ़ी वाइड है। फ्रंट में आपको इसमें मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे इसमें दोनों साइड से अलग अलग स्प्रिंग वाले सस्पेंशन है। अच्छी खासी टॉर्की मशीन है बोल सकते हैं। पहले लोग इसको थोड़ा घबराते थे कहीं ऑफ रोड ले जाने के लिए, लेकिन अब जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी बढ़ चुकी है। साइड जैसे हमेशा की तरह इनमें साइड से है। ठीक है, हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो पेपर्स में इसकी सीट हाइट है 790 mm, बट जब आप इस पर बैठते हो तो ये सीट हाइट आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इसका कारण ये है कि इसकी जो सीट है काफ़ी वाइड है। तो वाइड सीट जब होती है तो आपकी टांगें, अगर आप 5'6" 5'7" हो तो टांगें ईजिली आपकी लग जाएगी, अदरवाइज उससे नीचे हैं तो आपको टिप टो ही इस पर भी करनी पड़ेगी। फर्स्ट गियर काफी टॉर्की मशीन है यार। वाइब्रेशन आपको अच्छी खासी इसमें फील होती है। ट्रैफिक में इसको मैन्यूवर करना बहुत ही आसान है, आप इजीली ट्रैफिक में इसको मैनेज कर सकते हो। और सच्ची में यार ये बात मैं शायद पहले भी बोल चुका हूँ, इसमें बिल्कुल आपको स्पोर्टी फीलिंग आएगी, जैसे एक स्पोर्ट्स बाइक होती है उसी की तरह आपको इसका इंजन बिहेव करता है। अभी मेरे पास जो मीटर है वो कनेक्टेड नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता किस स्पीड पे मैं अभी चल रहा हूँ, बट इट लुक्स नाइस। आगे कैमरे हैं बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस पे अभी तक नंबर नहीं है। अभी एक राउंड हाईवे पे मार के देखते हैं इसका। तो ये रहे हम फर्स्ट गियर में, चलो पिक करते हैं यहाँ से बाइक। यार 300 cc के लिए अच्छी खासी पावर है इसमें, आप फील कर सकते हो एग्जॉस्ट नोट, वाओ आई लव इट। ये बात तो पक्की है दोस्तों, जिसको भी एड्रेनलिन अपनी रश करनी है वो इस बाइक को जरूर चलाएं, चलाने में बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ अभी मेरे को पता नहीं मैं कितनी स्पीड पे हूँ, लेकिन इस स्पीड तक पहुँचने के बाद आपको थोड़ी सी हवा में झूलती हुई जरूर मिलेगी है। मतलब आप कह सकते हो जो इनिशियल बाइट आती है इसकी वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, बट स्टिल मैनेजेबल। वो अभी मैं 6th gear पे चल रहा हूँ तो अभी थोड़ा सा जो आपका विश्वास है इसको चलाते चलाते डगमगाता है क्योंकि बाइक थोड़ी सी हिलती है। हो सकता है दोस्तों थोड़ी हवा इसमें टायर्स में कम हो या ज़्यादा हो तो उसके कारण ऐसा हो रहा हो। नाइस,
दोस्तों एक शोरूम प्राइस जो इस बाइक का है वो है 1.99 लाख, तो काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज में है ये। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो सेगमेंट है, पहले इसमें जो था अपने रॉयल इनफील्ड का दबदबा होता था, अब धीरे धीरे देखो कितने सारे ब्रांड बाज़ार में आ गए हैं इस रेंज में, जो आपको 300-350 सीसी की बाइक्स बना के दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो इसमें जावा ESD ही है, काफ़ी सारे इनके मॉडल हैं और इनका एक जो वॉबर है काफ़ी अच्छी लुक में बनाया हुआ है, आई लाइक दैट। तो मशीन अभी नई है तो इससे अभी तो यार मैक्सिमम लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि ये किसी बंदे के लिए अगर फर्स्ट बाइक अपनी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ले सकते हैं, ये इंजन काफ़ी लीनियर है, आपको इतना डराएगा नहीं, टॉर्क मैनेजेबल है और जो पावर है बाइक की वो भी मैनेजेबल है, तो एज ए फर्स्ट बाइक ये आपकी हो सकती है। बात करें कंपैरिजन की, स्टैंडर्ड या क्लासिक 350 जो है रॉयल इनफील्ड का है, तो उसके मुकाबले में काफ़ी लाइट है बाइक, काफ़ी निम्बल है और ज़्यादा आपको चलाने का कॉन्फिडेंस देती है, मतलब इजीली आप इसको चला सकते हो। हालांकि जो अब नई वाली क्लासिक और स्टैंडर्ड हैं उनमें भी वेट की काफ़ी रिडक्शन हो चुकी है, तो वो भी काफ़ी अभी चलाने में मज़ेदार हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये इंजन काफ़ी अच्छा है, मेरे को काफ़ी पसंद आया ये इंजन। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा रिव्यू जावा 42 FJ का। तो FJ का इसमें जो मतलब है वो है इसके फाउंडर, इनका पूरा नाम मैं आपको नीचे लिख दूँगा और उनके नाम पर इस बाइक का नाम रखा गया है। तो काफ़ी अच्छी बाइक जावा वालों ने ये बनाई हुई है। तो रिकमेंडेड है दोस्तों, जो भी फर्स्ट बाइक अपनी जावा की लेना चाहता है तो काफ़ी पेपी इंजन है, काफ़ी मज़ेदार इंजन है, आप इसको इजीली ले सकते हो। तो जावा के साथ आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।